चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। महिला लॉन बॉल टीम ने फाइनल में जगह पक्की कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का 7वां पदक पक्का हो गया है। कम से कम सिल्वर मेडल तो तय है। अभी तक 6 मेडल के साथ भारत 6ठे नंबर पर है। लॉन बॉल, यहां पर दो छोटे छोटे बॉल होते हैं जिनको फेंका जाता है, उसके बाद बड़े बॉल से उस छोटे बॉल तक पास आने की कोशिश की जाती है, और पहला मेडल है ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल का। और अब एक चिंता बढ़ाने वाली खबर, मंकी पॉक्स से देश में पहली मौत हो गई है। केरल के त्रिशूर में एक निजी अस्पताल में मंकी पॉक्स के लक्षण वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि 22 साल का युवक हाल ही में यूएई से लौटा था। जांच में युवक मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स पर मामलों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टीम का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक के सचिव को भी शामिल किया गया है। देश में मंकी पॉक्स के मामले में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने की बात कही है। बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जाँच की जा रही है। और सावन के पावन महीने में आज तीसरा सोमवार, आज के दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा का जलाभिषेक करने करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु झारखंड के देवघर पहुंचे। देवाधिदेव भगवान भोले शंकर के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की करीब 15 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए देश भर से आए श्रद्धालु महाकालेश्वर के दरबार में सावन महीने में भस्म आरती के अद्भुत दर्शन के लिए इसी तरह भीड़ जुटती है। सावन के तीसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से शिव भक्ति में झूमते श्रद्धालुओं की तस्वीरें सामने आई। पूरे देश में आज शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान शिव का अभिषेक और पूजा पाठ किया। तो पंचनामा में फिलहाल इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।